सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां सागोनी गांव के पूर्व सरपंच अशोक चौबे की अज्ञात आरोपियों द्वारा हत्या कर दी गई है। जी हां, यह बड़ी खबर निकलकर आ रही है मध्य प्रदेश के जिला सागर से, जहां बांदरी थाना क्षेत्र के सागोनी गांव में हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक अशोक चौबे सागोनी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति और पूर्व सरपंच थे, साथ ही सागोनी ग्राम पंचायत में लगातार 3 बार सरपंच रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि सागोनी क्षेत्र की जनता मृतक अशोक चौबे को मसीहा और मालिक की संज्ञा देती थी। इस क्षेत्र की जनता को यह बात हजम नहीं हो रही कि आखिरकार इस तरह के निर्विवाद व्यक्ति की हत्या किसने कर दी। हत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। वहीं घटना स्थल पर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, एसडीओपी मनोज किरकेट्टा सहित बांदरी थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर और बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया है। वहीं एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम के साथ भी मौके पर मुआयना करने पहुंचे हैं। हत्या की खबर से क्षेत्र भर के लोगों का हुजूम सागोनी गांव पहुंच रहा है। वहीं एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस बल सागोनी गांव में लगाया गया है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि अशोक चौबे की हत्या की गई है। पुलिस अभी तक हत्या का कारण और आरोपी की तलाश कर रही है। आपके ग्राम में किसी पंडित जी का मर्डर हुआ है? हाँ, हुआ है। यहाँ पे रात में सुबह जानकारी लगी थी यहाँ को, मतलब मर्डर हुआ है यहाँ पे। पुलिस वगैरह सब यहाँ पे आई हुई है, सुराग नहीं लग पा रहा है कि किसने किया, कैसा किया है। तो क्या पंडित जी की पहले किसी से बुराई, लड़ाई, झगड़ा था क्या? नहीं, अभी तो कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि वजनदार आदमी थे वो, सब ग्रामीण आदमी थे क्षेत्र में, सब उनकी अच्छी जान पहचान। ऐसा क्या प्रतीक हो रहा है, हत्या है, आत्महत्या? अभी तक तो ये हत्या ही समझ में आ रही है, आत्महत्या कोई इशू ही नहीं है। उनकी कोई बुराइयां वगैरह गांव में थी? गांव में किसी की बुराई नहीं थी, और बहुत अच्छे आदमी थे और जान पहचान का भी क्षेत्र में थी। अब ये नहीं पता सकते हुआ कैसे, हुआ कैसा हुआ। ठीक, कट कर। सागोनी में किसी का मर्डर हुआ है, तो पूरा मामला क्या है? ग्राम सागोनी में एक व्यक्ति है जो यहाँ भूतपूर्व सरपंच भी रहे, उनका नाम अशोक चौबे जी, उम्र इनकी 62 वर्ष के आसपास होगी। प्रथम दृष्टया पुलिस जो मौके पहुँची है, तो हम लोगों को ये प्रथम दृष्टया मर्डर लग रहा है, उसका प्राथमिक हो रहा है, शव को पोस्टमार्टम भी भिजवाया गया है, अब देखना इसमें की जा रही है। सर, कोई सुराग हाथ लगा है? नहीं लगा जी। अभी एफएसएल टीम ने मौके का दौरा किया है और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम भी मौके पर आई है। अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। मालथोन से अनुज सेन की रिपोर्ट।